लाकर उसे केमिकल के जरिए रिफाइन कर मॉर्फिन बनाकर तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का बाराबंकी पुलिस ने खुलासा किया है। यह गिरोह हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और सोनभद्र जिले में भारी मात्रा में मॉर्फिन सप्लाई करते थे। पकड़े गए 7 तस्करों के पास से अब बाराबंकी की जैतपुर थाने की पुलिस ने 2 किलो 525 ग्राम मॉर्फिन बरामद की है। पकड़ी गई मॉर्फिन की कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 कार और 2 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। जनपद बाराबंकी के जयपुर थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर जयपुर और सीओ सदर के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी इस क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। इसका पर्यवेक्षण हमारे एडिशनल एसपी कर रहे थे। सारी टीमों ने मिल करके इसमें एक पूरे गैंग को बस्ट किया है, जिसमें 7 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 2 किलो 525 ग्राम मॉर्फिन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। ये पूरा गैंग एक अंतर राज्यीय गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहा था। ये मणिपुर से क्रूड माल लाते थे और यहाँ पे उसको तैयार करते थे, रिफाइन करते थे, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और सोनभद्र आदि स्थानों पे सप्लाई करते थे।